Welcome to Analyst IES. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article, Nature Has the Answers. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and relevancy of this article is with GS Paper 3. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. In this editorial, we are going to talk about ecological biodiversity. So now, let's start the discussion. तो अभी बीते दिन 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया गया एंड इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट द वंडर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रीन्यू आर कमिटमेंट टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट ऑल द मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ विच वी शेयर आर प्लैनेट. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब डाइवर्सिटी की बात आती है तो यहाँ पर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एथनिसिटी के साथ साथ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है और इस इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के कारण इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री बन जाता है. और इस आर्टिकल में आगे इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात की जा रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, वाटर रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं. तो इन सब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को क्योर करने में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बिकॉज ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी. और इंडियन फिलॉसफी ही ऐसी रही है कि हमने ईच एन्वायरमेंटल एस्पेक्ट या नेचर को एज अ गॉड माना है, यानी स्टार्टिंग से ही हमने एनवायरनमेंट को इम्पॉर्टेंस दी है. और रिसेंटली मोदी जी ने एक स्पीच में कहा भी था कि वर्ल्ड को अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है तो वो इंडिया ले जा सकता है. तो इस आर्टिकल में यही सब डिस्कस किया गया है कि जैसे देखा जाए कि वर्ल्ड के अंदर कई सारी स्पीशीज कम हो रही हैं और प्लांट्स कम हो रहे हैं. तो प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी में हम एक चीज़ें मिस कर देते हैं कि जैसे इंडिया में हर्बल प्लांट्स की कितनी सारी डाइवर्सिटी है और हमने उन्हें टैग तक नहीं दिया. तो ये बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये आप और हमारे लिए एंड इकोनॉमी के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है. सो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे शुड सर्व एज अ रिमाइंडर टू आर गवर्नमेंट एंड पीपल टू पुश फॉरवर्ड द मिशन एंड री इमेजिन आर रिलेशनशिप विद नेचर. तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, नेचर हैज़ द आंसर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट वीडियोज़. थैंक यू.